तो चलिए आज एक बार फिर आपके लिए मस्ट अवेटेड वीडियो, जो काफी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मत देखिए कि हमने बस राइटर का नाम लिखा है और चैप्टर का नाम लिखा है, बल्कि हम इसके साथ साथ कुछ और बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपके एग्जाम में मैच अप द फ्लोइंग देता है राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, और इसके साथ साथ ये भी देता है वन मार्क्स क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कि मान लीजिए जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर है क्या, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, आखिर है क्या, ठीक है। तो आइए इसमें हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला चैप्टर आपका कौन सा है जी, क्लास 12 का प्रोज सेशन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इसको लिखने वाला कौन है जी, महात्मा गांधी है। और आपको याद रखना है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, ठीक है, क्या है जी, एक एसे है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एसे है, इंडियन से रिलेटेड है, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा, क्योंकि इंडियन आप समझ रहे हैं इंडियन। ये दूसरा चैप्टर है आपका भारत इज माई होम, भारत इज माई होम देख लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका एक स्पीच है, क्या है जी, एक स्पीच है, पहला आपका एसे है, दूसरा आपका स्पीच है, ठीक है। अच्छा जी, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ये क्या है जी, एक शॉर्ट स्टोरी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछ देगा व्हाट इज ए पिंच ऑफ स्नफ, तो ये नहीं कि आप राइटर का व्हाट पूछ रहे, क्या है, तो इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है, ठीक है। अगर बात किया जाए भारत इज माई होम का, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया हुआ ये उनका पहला स्पीच है आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा जी, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी आपका क्या है, एक स्पीच है, क्या है जी, स्पीच है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम भी स्पीच है, आइडियाज, ओके, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये आपका क्या है, तो ये आपका है, सबसे पहले इसको किसने लिखा है जी, किसने लिखा है, तो बर्ट्रेंड रसेल, और ये आपका क्या है, एक एसे है, क्या है जी, एसे है, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट सीगा नोया, ठीक है, और ये बाबू एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन एक दो फंसेंगे ही फंसेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने इसके पहले जो वीडियो में बताया है नोबेल प्राइज किनको मिला है, कब मिला है, ठीक है, आई हैव डिस्कस एवरीथिंग, तो ये प्लीज वो भी वीडियो आप जरूर देखिए। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीन, ये भी आपका एक एसे है, ये क्या है जी, एसे है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म, जर्मन ग्रीन, ये क्या है जी, एसे है, ठीक है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री प्रेस का बात कर रहा है, डॉर्थी एल सेयर्स, न्यूज़पेपर वाला डॉर्थी एल सेयर्स, ये भी आपका क्या है, एसे है, ज्यादातर आप देखिएगा कि इसमें एसे ही भरा हुआ है। द अर्थ एची बेट्स, ये क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। आप बात समझ में, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक, ये आपका क्या है, ये आपका एसे है, ये भी आपका क्या है, एसे है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल एंड एंटोन चिको, ये क्या है जी, तो ये आपका एक ड्रामा है, ठीक है, या कॉमेडी ड्रामा, जो भी आपके आंसर मतलब जो भी आपके ऑप्शंस में दिया होगा आप समझ लीजिएगा, ये एक ड्रामा है, स्टोरी ड्रामा है, ठीक है ना। तो
तो ये इसका पूरा इंफॉर्मेशन रहा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी से लिया, मतलब महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ जो है, इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और क्या पूछ सकता है जी, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था, कब ये मृत्यु, मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था, सॉरी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको अपने कॉपी में लिखकर इस चीज को क्या करना है, याद करना है। इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, एकदम आसान हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।